ओके okay, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चार सम दिए थे प्लस क्रॉस वेरीफाई। पहले उसके आंसर्स क्रॉस वेरीफाई कर लेते, फिर हम लोग आंसर पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट का है वाई कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 1.34 एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू 20 ले तो वाई कैप का आंसर है 4.6400 यूनिट्स। अगर यूनिट्स नहीं लिखा हो, ये नहीं लिखा हो तो मार्क्स कटेंगे। ओके okay? नेक्स्ट सेकेंड वाई कैप इज इक्वल टू 3.35 प्लस 1.93 एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 5 लेना है तो वाई कैप इज इक्वल टू 13,000 रुपीस। इसमें फर्स्ट और सेकेंड सम में किसी को डाउट? फर्स्ट सम और सेकेंड सम में किसी को डाउट तो रेज हैंड करके। जितने लोग ने होमवर्क किया है, जितने नहीं किया अभी उसके हाथ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो आगे पढ़ाना शुरू कर ही दूंगा, आई वोंट स्टॉप इट। कितने लोग ने ऐसा है जो लेक्चर अटेंड किया था और होमवर्क नहीं किया? सी नेक्स्ट वीक से हम लोग ऑफलाइन मिल रहे तो पता चल जाएगा कितने क्या कौन कितने पानी में है, इसलिए बेटर है सही बोल दो। किससे कितने लोग ऐसे है जो लेक्चर अटेंड किया था और होमवर्क अभी तक नहीं किया या वीडियो देखा तो भी नहीं किया? मैत्री आंसर सही है दोनों? यस सर। ओके, सेकंड में एरर भी है, दैट इज जीरो, एरर आपका जीरो आना चाहिए। थर्ड वाई कैप इज इक्वल टू 64.27 प्लस 0.83 एक। नव्या 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 कितनी बार बोलू मैं, 0.83x, x is equal to 35 और y cap is equal to 93.32 टन। बोलो नव्या। सर ये सेकेंड सम में एरर फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला? बोला है सर। तो एरर वैसे आपने वो फर्स्ट सम में आपने कराया था, एरर ऑफ वाई माइनस वाई कैप, वही वाली फॉर्मूला? हाँ हाँ वही 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 फॉर्मूला से। ओके, अगर बोला हो तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं बोला देखो मैं मेरे मन से तो इच्छा है तो मैं बोल तो नहीं रहा। ऑल्सो फाइंड एरर बोला है तो आपका जो आंसर आया अभी बस जब फाई रखते हो, फाई के सामने क्या है देखो नव्या टेबल में, फाइव है सर, फाइव के सामने हमने 13, हाँ बस वाई में 13, बस। चलो अब आगे फोर्थ सम में। प्रेम आपका वीडियो ऑफ है अभी तक। वाई कैप इज इक्वल टू 69.7 प्लस 1.13x और x इज इक्वल टू 7 है तो y कैप इज इक्वल टू 77.61। इसमें कोई यूनिट नहीं दिया तो नहीं लिखोगे। ओके क्लियर? किसी को कंफ्यूजन तो रेज हैंड कर सकता है ये चारों सम में से। ओके चलो जी, आपने वीडियो देखा है? जिया क्यों वीडियो नहीं देखोगे कैसे पता चलेगा? चलो लिखो क्वेश्चन लिखो एवरीवन। ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, obtain regression line of monthly expenditure on monthly income, obtain regression line of monthly expenditure on monthly income। Full stop. If the person
of the group have monthly income, have monthly income of 75, फिर वर्ड्स में 1000 लिखोगे, 75 फिर वर्ड्स में 1000 लिखोगे ऐसे. एस्टिमेट द मंथली एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट द मंथली एक्सपेंडिचर. दोनों एक्स और वाई का यूनिट है 1000 रुपीज. ठीक है, एक्स और वाई का दोनों का यूनिट कितना है 1000 रुपीज. मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया है, वो कॉपी करना शुरू कर देना. चलो लिख लो. सबसे पहले चीज क्या फाइंड करनी है मानोश, सबसे पहले चीज क्या फाइंड करनी है? मानोश सर, आपका वॉल्यूम नहीं, आवाज नहीं. मेरी आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है, आ रही है सर. सबसे पहले चीज क्या फाइंड करनी है सर? आप फर्ती समझा, फर्ती समझाओ सु. तू लेक्चर में ते वीडियो नहीं जो तो हूँ कहीं दे समझाओ तने. बोल एक्स ने वाई आपे लू छे तने. सौथी पहलू स्टेप नव्या, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? x is equal to sigma x upon n. मतलब x is equal to क्या होता है? आप फाइंड क्या कर रहे हो? x बार y बार फाइंड करना है. पहले x बार फाइंड करेंगे ना. हाँ तो x, तो x बार नव्या x क्या होता है? x बार होता है, वो बोलो. x बार हाँ, x बार और y बार फाइंड करो. सर ये 53 के नीचे क्या है? 58 और 60. चलो सबसे पहली चीज x बार और y बार. काव्या आपका वीडियो ऑफ है. प्रेम सम चालू करी दे, क्वेश्चन लिखाई दे. प्रेम पाठक, एक्स और वाई नो टोटल शू आवे छे? एक मिनट सर, करूँ छू सर. एक्स नो टोटल 461, वाई नो टोटल अजी करूँ छू. मानसी वाई का टोटल क्या है? कर रही ऋषि कौन सी मेथड यूज होगी? यूवी वाली. ओके, तो यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए
बी इज इक्वल टू वाई माइनस बी, नेक्स्ट कॉलम यू वी एंड यू स्क्वायर. मैत्री ए क्या लेंगे? 60. करेक्ट. और बी 50. करेक्ट. चलो अब तो आपको आता ही है, इतना तो ये टेबल कंप्लीट कर लो. ये चैप्टर नंबर 2 में किया हुआ वही है. नव्या आपका वीडियो ऑफ है. प्रेम यूनो टोटल सर, मेरा वीडियो ऑन ही है, वो नेटवर्क इशू की वजह से बारी बारी चला जा रहा है. ओके प्रेम 41 सर. 41 यू हैव टेकन एक्स ए 60. हाँ सर. अंशुल वी का टोटल कितना आया? 37. आपने बी 50 लिया है ना? यस सर. मानुष यूवी का टोटल हो गया? यूवी का टोटल सुनाई नहीं दिया मुझे. जिया यूवी का टोटल हुआ? ना सर. कहाँ तक पहुंचे हो? यूवी फाइन करू छु. शीतल यूवी का टोटल हो गया? नो सर. इसका यूवी का टोटल आ गया वो बोल दो. मैत्री बोलो. 284. सही है. ऋषि प्रेम सही है. 284 मेरा 353 आ रहा है. प्रेम हाँ सर साची है. ऋषि सर. यस सर. यूवी इंडिविजुअली बोलना. अच्छा यूवी का. ओके ओके सर. यहां यूवी 284 का मैंने यू स्क्वायर का बोला. कितना है यू स्क्वायर का? यू स्क्वायर 353. चलो बाकी सब लोग जिसको आता है आगे वो कंप्लीट कर दो. ये टोटल्स मैंने लिख दिए है आपके लिए. इंडिविजुअल तो आपको फाइंड करना आता ही है, चैप्टर नंबर 2 का ही है वो. मैं अभी सिखाने वाला नहीं हूँ वापस.
इसके बाद आपका नीचे लिखना है, ये टेबल के नीचे लिखोगे y on x, y cap is equal to a plus bx, b is equal to n sigma uv minus sigma u into sigma v upon n sigma u square upon sigma u whole square. पार्थ पटेल क्यों वीडियो ऑफ किया है, कहीं पे बाहर जा रहे हो? ना ना सर, सर तुम्हारा आवाज ना था तो इकला सर वो बाहर निकली गया इकला सर बिल्कुल जुआ के तो सेटिंग में। प्रेम पाठक बी का आंसर क्या है बोलो? 0.60 करेक्ट, परफेक्ट। A is equal to y bar minus b x bar. Y bar 55.29, 0.60 या 6, दोनों एक ही वैल्यू है, 0.60 या 0.6 कोई फर्क नहीं है, 65.86 39.516 या 39.52 रखो तो भी चलेगा। सर सर वो जो 55.29 माइनस 0.69 है ना, तेरा बी क्या आया? बी 55.29 बी बी 0.6 हाँ, तो बस इधर क्या आएगा वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो बी क्या है तेरा? 0.6 बस वही लिखा है। प्रेम क्वेश्चन मा x की वैल्यू आपी छे 75 अने बन्ने यूनिट छे 1000 बन्ने ना x अने y ना, ओके कंप्लीट कर दे जे। नाउ y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, 15.77 plus 0.6x, ये regression 9 मिल गया हमें। Now x is equal to 75 है, तो 15.77 plus 0.6x, x की जगह पे क्या लिखेंगे? 75, कितना हो रहा है? 45 तो 60.77 एंड यूनिट विल बी 1000 रुपीस। डन, ये सम ओवर। ये 5 मार्क का पूरा टॉपिक ओवर हो गया आपका। एक सम करवा रहा हूं, ये हो जाए, किसी का बाकी है?
चलो नेक्स्ट सम. ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स. ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फुल स्टॉप. एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट. एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट फ्रॉम स्किन डिजीज. फ्रॉम स्किन डिजीज estimate the number of patients suffering from skin disease. Suffering from skin disease if density of population of a city is 15,000 per square meter. 15,000 per square meter. अब x और y. y 1000 पर 1000 दिया हुआ है. y की यूनिटी हमें इंपॉर्टेंट है. पर 1000 दिया हुआ है y में. अब 14,500 17,500 13,500 16,000 y में 80, 60, 90, 80, 40, 30 इतना लिख के वेट करो. आगे मत करना. सर एक बार कैमरा ऑफ करे. बोर्ड नहीं देख रहा है. हाँ हाँ. इतना लिखने के बाद वेट करोगे. चलो सबसे पहला स्टेप एक्स बार और वाई बार फाइंड करोगे. चलो टोटल बोलोगे एक्स का 92,500 y का 380 92,500 246 154 16.67 63.33. अब यानी यू और वी की मेथड होगी. अभी मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो आंसर देगा. कितने लोग ऐसे हैं इसमें से जो लोग कॉमन लेके सेकेंड चैप्टर में हमने किया था याद हो तो कॉमन डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100 या इंटू 100 करते हैं वो रेज हैंड करो. जो लास्ट याद हो आपको तो सेकेंड चैप्टर में ऐसे कितने लोग हैं जो डिवाइडेड बाय 100 कॉमन लेते थे 1000 लेते थे या मल्टीप्लाई बाय 10 करते थे ऐसे रेज हैंड करो. सिर्फ दो लोग हैं. ओके
बाकी सब लोग अपने हिसाब से सम करना शुरू करो। बाकी सब लोग ऋषि और प्रेम पाठक ये दोनों इधर बोर्ड पे ध्यान देना। बाकी सब लोग अपने हिसाब से सम करना शुरू करो, बोर्ड पे ध्यान मत देना, आप अपने हिसाब से सम करना शुरू करोगे। ऋषि और प्रेम, U इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपन, अभी कॉमन क्या आएगा इधर, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी एक्स। क्या डिनोट करेंगे? सी एक्स। ऋषि और प्रेम क्लियर? यस सर। और V इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। ओके, गॉट इट सर? मतलब सी एक्स क्या डिनोट करता है, कॉमन ऑफ एक्स ऐसा? हाँ, कॉमन ऑफ एक्स, और सी वाई डिनोट करता है कॉमन ऑफ वाई। ओके, अब कॉमन क्या है इसमें, देखो सी एक्स में ये 100 या 1000, 100 लेगा नहीं, 500 है ना, तो 500 डिवाइड होगा, कॉमन क्या निकलेगा 500, क्लियर? और इसमें कॉमन क्या निकलेगा? 10 नहीं, 10 भी निकलेगा, हाँ 10। प्रेम क्लियर? पाठक यस सर। ओके, ए और बी तो लेना आता है, मैं सिर्फ फॉर्मूला में आपको दिखा रहा हूँ। B इज इक्वल टू सिग्मा एन यू बी सिग्मा यू वी इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वेर माइनस सिग्मा यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ये याद रखना, अगर आप कॉमन ले रहे हो ना तो इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स करना कंपलसरी रहेगा। ओके, अगर आपको कॉमन नहीं लेना तो मत लो, कोई मगजमारी नहीं करनी, इट इज अप टू यू, आई एम कीपिंग अप टू यू। आपको अगर कॉमन लेते हो, कोई भी कॉमन लेता है, तो इधर x में जो कॉमन होगा वो, और y में जो कॉमन होगा वो, और इधर मल्टीप्लाई बाय सी वाई अपॉन सी एक्स। ओके, चलो सम करना शुरू करो। कोई भी लोग, कोई भी आप में से कोई कॉमन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, लेकिन b का आंसर सेम आएगा सबका, ये याद रखना। ओके, जो लोग कॉमन नहीं ले रहे उनको ये इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इतनी फॉर्मूला होगी। सर हम बी 30 ले सकते हैं इसमें से? 30, हाँ 30 लेना है ना, 30 ले सकते हैं, 30 लो, इजी रहेगा, सब प्लस में आएगा। किसी को कंफ्यूजन? प्रेम तू कॉमन नहीं ले तो मोदी? ना सर। ओके,
सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट ले, दो या तीन? अगर बी का आंसर, इसमें तीन लेने पड़ेंगे पॉसिबल, उसके बिना तो दो लेंगे तो आंसर ही गलत आएगा। बी का आंसर क्या है, किसका आया गया? अभी तो सिर्फ टेबल कर रहे होंगे, ये लंबा प्रोसेस है। किसी का बी का आंसर आ जाए तो बोलना। चलो मीटिंग रिज्वाइन करो, फिर आंसर डिस्कस करते हैं।